दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से आज एक बार फिर सीबीआई का सामना हो रहा है। सीबीआई पूछताछ से पहले दिल्ली का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। सुबह घर से निकलते ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया राजघाट पर बापू की समाधि पर पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें भी आशंका है कि वो जेल चले जाएंगे, लेकिन दिल्ली का विकास और दिल्ली की शिक्षा नीति को लेकर कोई भी रोक टोक नहीं होगी। उन्होंने बच्चों से भी यहाँ पर अपील की। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के भगत सिंह वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह और महात्मा गांधी देश के लिए जेल गए थे, जबकि मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है। हालांकि दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आशंका जाहिर कर चुके हैं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब मामले में सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे दक्षिण दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिसिया नज़र लगी हुई है। सीबीआई दफ्तर के आसपास धारा 144 लगाई गई है और जो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, जिसमें मेयर शैली ओबराय, विधायक सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी की कैबिनेट यानी कि दिल्ली के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर बैठे हुए हैं। तमाम नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये पूरा माहौल पैदा किया है। आपको सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। ये आरोप लगाते हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। पहले तो मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, 10,000 करोड़ में जीरो कितने आते हैं, क्या आपको इस बात का एहसास है, ये पता है? और 10,000 करोड़ का अगर कोई शख्स घोटाला करता है, 10,000 करोड़ की रिश्वत लेता है, तो वो पैसा कहीं तो जाता है। आप उससे जमीन खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, जायदाद खरीदेंगे, कहां है वो सारी जायदाद और बंगला और सोना और जमीन? आपने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड कर ली, बैंक लॉकर पे रेड कर ली, उनके पैतृक गांव पे रेड कर ली, उनके सारे रिश्तेदारों के घरों पे सारी संपत्ति खंगाल ली, एक नया पैसा नहीं मिला आपको, क्योंकि कुछ घोटाला हुआ ही नहीं है। ये सारे फर्जी आरोप हैं। लेकिन अब फरमान आ गया है आकाओं का कि सबूत बनाओ, मनगढ़ंत केस बनाओ, फैब्रिकेट करो एविडेंस और मनीष सिसोदिया को कुछ भी करके जेल में डालो। मुझे लगता है कि बिल्कुल हताशा की स्थिति है और केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस मॉडल को, चूंकि ये लोग कांग्रेस को तो संभाल लिए, कांग्रेस इनके बस में है आज, लेकिन सिसोदिया जी का जो शिक्षा का मॉडल जिसने कि देश में नहीं पूरे दुनिया के अंदर एक हलचल मचा दिया, उसका इनके पास जवाब नहीं है। केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस के मॉडल का जवाब नहीं है। तो ये बिल्कुल एक तरह से ऐसी स्थिति में है कि भाई क्या करें, आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का क्या करें, किस प्रकार से इनको हम काउंटर करें। तो सुना आपने आम आदमी पार्टी किस तरह से इस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आज सुबह सीबीआई दफ्तर में पहुंचने से पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बातचीत की, उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी घर पर बीमार है, अकेली है और उनका बेटा बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मनीष सिसोदिया को आश्वासन दिया है कि पूरी दिल्ली और पूरा देश उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी यूं ही आक्रोशित नहीं है, क्योंकि दिल्ली के ही एक और मजबूत कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं, और ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की गाज गिरती है, जिन्हें दिल्ली सरकार में नंबर 2 मिनिस्टर का भी दर्जा प्राप्त है, सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के सबसे शक्तिशाली नेता मनीष सिसोदिया ही माने जाते हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से उठा रही है। आज दूसरी बार सीबीआई से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का सामना हो रहा है। मनीष सिसोदिया से ये कहा जा रहा है कि इस पूछताछ के दौरान बिल्कुल एविडेंस के साथ कई सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। हालांकि उनसे पूछताछ के दौरान बड़े स्तर के यानी कि बड़े रैंक के अधिकारी मौजूद रहेंगे। देखना यही है कि इस पूरी पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलता है। हालांकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कई बार कहा है कि सीबीआई ने उनके घर, दफ्तर, लॉकर और उनके गाँव जानने वाले तमाम लोगों के यहाँ छापेमारी की, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला और वो इस पूरे मामले में पाक साफ हैं। किसी भी तरह का लेन देन नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं लिया गया, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आज अब सबकी नज़रें सीबीआई दफ्तर पर ही टिकी हुई है। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।